everyone, welcome back to my channel. I'm Pallavi and in this channel we talk everything about fashion. And आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं होली में क्या पहनने वाली हूँ. Like it's a get ready with me for होली. I hope आपको पसंद आए. And outfit के लिए मैंने एक जुगाड़ किया है. I hope आपको वो भी अच्छा लगे. So watch the video till the end and now let's begin. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द फेस, जो ऑलवेज हम अपने फेस से ही स्टार्ट करते हैं. तो फेस के लिए एज होली है आपको बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है, तो आज हम स्किन केयर पे ज़्यादा ध्यान देंगे. सो फर्स्ट मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, देन मैंने गुलाब जल स्प्रे कर लिया है. गुलाब जल के ड्राई होने के बाद मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ. मैंने ये नोटिस किया है लाइक जब भी मेरी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है होली वगैरह में, तो मेरे स्किन पे स्टेन्स लाइक कलर के नहीं आते हैं. और अगर मेरी स्किन ड्राई है तो काफ़ी ज़्यादा स्टेन हो जाती है मेरी स्किन इसीलिए. और होली है तो अपने कान वगैरह गला वगैरह तो बिल्कुल भी ना भूलें. सो या सो एलोवेरा जेल हो चुका है. अब हम एक मॉइस्चराइजर लगाएंगे बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है. गुलाब जल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा. देन एक मॉइस्चराइजर चाहे जेल बेस हो चाहे क्रीम बेस हो कोई सा भी, बट एक मॉइस्चराइजर आप ज़रूर लगाएं. नेक्स्ट मैं लगाने वाली हूँ सनस्क्रीन. एज होली है, इट्स अ डे टाइम फेस्टिवल, तो अगर आप दिन में बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना तो बिल्कुल ना भूलें. आई एम सिंपली अप्लाइंग अ बीबी क्रीम जस्ट एक हल्के कवरेज के लिए एंड मेरी स्किन मॉइस्चराइज्ड भी हो जाए. सो एज मैं नहीं चाहती कि मेरी स्किन कहीं से भी ड्राई हो, इसीलिए मैं कोई भी पाउडर एलिमेंट अपने फेस पे ऐड नहीं कर रही हूँ. सो हमारी बीबी क्रीम हो गई. मैं आज अपना मेकअप सेट नहीं करूँगी पाउडर से, सिंपली काजल एंड लिपस्टिक एंड आई थिंक आई एम डन. सो लेट्स सो दिस इज़ माई फाइनल फेस. आई होप आपको अच्छा लगा होगा होली का मेकअप ट्यूटोरियल विथ लॉट्स ऑफ स्किन केयर एंड लिल बिट ऑफ मेकअप. आई होप यू इन्जॉयड इट. एंड मैंने सिर्फ आइस को टाइट लाइन किया है एंड लिपस्टिक लगाया है एक्स्ट्रा में. नेक्स्ट हम हेयर स्टाइल देख लेते हैं. तो हेयर स्टाइल के लिए आई फील कि जितना कम स्कैल्प शोइंग हेयर स्टाइल आप बनाओगे उतना आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा, उतने कम आपके बाल एंड स्कैल्प डैमेज होंगे. तो आप सिंपली अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप एक हाई पोनीटेल या फिर एक मेसी पोनीटेल बना सकते हो. एंड या उससे पहले अपने बालों को ऑयलिंग करना बिल्कुल मत भूलना. मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं की है एज मुझे अभी हेयर वॉश नहीं करना था, बट आप ऑयलिंग अगर आप किसी रियल की होली पार्टी में जा रहे हो तो प्लीज़ अपने बालों को ऑयल करना मत भूलना. एंड अगर आपके बाल लंबे हैं तो बन या ब्रेड्स भी आप बना सकते हो. सो नेक्स्ट हम ज्वेलरी पे आते हैं. तो ज्वेलरी के लिए मैं यहाँ पे एज वाइट कुर्ता पहन रही हूँ. आउटफिट के लिए तो मैंने सिल्वर कलर की मल्टी कलर इयररिंग्स लिए हैं यहाँ पे, विच आई फील इज़ लुकिंग नाइस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द आउटफिट. सो आउटफिट के लिए मैंने वाइट कुर्ता स्टाइल किया है. तो वाइट कुर्ते के साथ मुझे कुछ ब्राइट कलर का बॉटम चाहिए था जो कि मेरे पास नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ये लहरिया प्रिंट की साड़ी ली है. ये पॉलिएस्टर मटेरियल, पॉलिएस्टर नहीं, ये क्रेप मटेरियल का है. तो मैंने उसको धोती स्टाइल में यहाँ ड्रेप किया है. तो वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप सिंपल उसे ड्रेप कर सकते हो, या फिर अगर आपको धोती स्टाइल साड़ी में ड्रेप करना है तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है. आप चाहो तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो. सिंपली आपको सामने से नॉट बांधना है, दोनों साइड को निकालना है अपने पैर के पीछे से एंड पीछे टक कर देना है. मैंने यहाँ पे साड़ी को डबल लेयर में किया है एज साड़ी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट थी.
सो दिस इज माई फाइनल आउटफिट. मैंने वो धोती स्टाइल साड़ी को यहाँ पे व्हाइट कॉटन के चिकनकारी अनारकली कुर्ते के साथ स्टाइल किया है. एज कॉटन काफ़ी कंफर्टेबल होता है समर्स के लिए, एंड एज इस बार आपको ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाना है तो प्लीज़ घर में ही सेफ होली खेलिए. हैप्पी होली एवरी वन. एंड या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम. अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी स्टाइलिंग.